वेलकम टू टेस्टी फूड। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी ब्रिंजल फ्राई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने गोल ब्रिंजल लिया है, राउंड ब्रिंजल। ये बहुत ही टेस्टी रहेंगे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, इसके लिए मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, 1.5 टीस्पून साल्ट लिया है, थोड़ा सा दालचीनी और लौंग लिया है, 4 लौंग लिया है, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, 1 बड़ा प्याज मैंने ऐसे पीसेस में कट करके रखा है, 4 ग्रीन चिल्ली ली है, 2 चुटकी पेपर पाउडर लिया है, 4 टेबलस्पून दलिया लिया है, 2 पीसेस नारियल लिया है, कच्चा नारियल, और इसे ऐसे पीसेस में कट करके रखा है। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। हम एक ब्लेंडर जार लेंगे और इन सभी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे 1 बाय 1। देखिए सभी मसालों को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने सभी मसाले को इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। बहुत ही फाइन पेस्ट हम इसे बनाना है। देखिए दोस्तों मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, बहुत ही सॉफ्ट पेस्ट बनाया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने जो मसाला पेस्ट करके रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज होके थोड़ा ब्राउन कलर ना आ जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमें स्पून चलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगा पैन पे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है, थोड़ा रेड कलर आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर में मैंने ब्रिंजल को अच्छे से धो के रखा है। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे और इन बैगन को काट के इसमें डाल देंगे। देखिए बैगन को इस तरह से कट करना है। देखिए इस तरह ऐसे सभी बैगनों को हमें कट करके इसमें डालना चाहिए।
जब तक हम इस बैंगनों को कट करते हैं हमारा मसाला रेडी ठंडा हो जाएगा, वो हम इसमें फिल करेंगे। देखिए इस तरह काटना है। देखिए मैंने सारे बैंगनों को ऐसे कट करके रखा है। अब हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है, अब हम इसमें इन बैंगनों में इस मसाले को फिल करेंगे। देखिए इस तरह एक एक पीस निकाल के हम इसमें फिल करना है। देखिए इसी तरह हम सभी बैगनों में इस मसाले को भरेंगे। देखिए इस तरह हम भरेंगे। देखिए मैंने सभी बैंगनों को अच्छे से मसाले से भर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें लगभग आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल ज्यादा ही लगेगा। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए मैंने इसे ढक लिया है। अब हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा लो रहना है। चलिए देखते हैं हमारे बैगन कैसे हैं। इसे थोड़ा मिला लेना है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाना है। जब तक हम इसे पकाएंगे सॉफ्ट होके इसका कलर रेड का ब्राउन कलर आना चाहिए, जब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए अभी सॉफ्ट नहीं हुई है, तो सॉफ्ट होने तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसके ढक देंगे। चलिए देखते हैं हमारे बैंगन कैसे सॉफ्ट हुए या नहीं। देखिए अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, इसका कलर ब्राउन कलर आना है, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए इस तरह हमें इसे टर्न करना है। अच्छा ब्राउन कलर आना है इसका, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे धीरे से टर्न करना है वरना ये टूट जाएंगे। देखिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है, ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं।
चलिए दोस्तों, हमारे बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे भरवा बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी रहेंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। देखिए दोस्तों, हमारे भरवा बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी रहेंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।